रहीम तो इन एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमने जो लास्ट बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट स्वैप्शन तो स्वेप्शन इफ यू कैन रिकॉल वो क्या था कि स्वैप ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास एक ऑप्शन है टू एंटर इन टू द स्वैप एट अ फ्यूचर रेट फ्यूचर टाइम जो कि हमें एक ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगी राइट right हो जाएगा रादर देन ऑब्लिगेशन अब हम इसकी थोड़ी सी टाइप्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्वेप्शन विच आर अवेलेबल Bermudan swaption. The purchaser is allowed to exercise the option and enter into specified swap on a predetermined set of specified dates. इसमें कुछ dates होंगी उन dates में आप ये swaption में के आपको allow करेगा कि आप इन dates में जाके swap में enter हो सकते हैं इनमें सिर्फ minor difference ही आएगा कि when you can enter. विन कंट्रास्ट यूरोपियन स्वेप्शन द परचे ओनली अलाउड टू एंटर और एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड एंटर एट द एक्सपायरेशन ऑफ सो ऑप्शन जिस पीरियड की एक्सपायरी वो स्वाप्शन है लेट से वो थ्री मंथ्स की है तो आफ्टर थ्री मंथ्स ही आप जाके वो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं अगर नहीं आप चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे तो यानी कि वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म पे वो मूव कर रहा होगा तो ये यूरोपियन है अगर आपने पहले भी बात की हुई है कि वेन वी से यूरोपियन और अमेरिकन दीज आर नॉट रिलेटेड जी वो यूरोप में होंगी और वो अमेरिकन में होंगी दीज आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज एंड हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव मीनिंग अमेरिकन ये अब आपको मुझे बताना चाहिए क्योंकि हमने ऑप्शन में इसकी काफी बात की हुई है तो वट यू कैन रेफर और रिकॉल अबाउट अमेरिकन ऑप्शन वेन इट इज अमेरिकन स्वेप्शन द परचेजर कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड एंटर इन टू स्वैप एट एनी डे बिटवीन द औरिजन एंड द एक्सपायरेशन डेट जैसे अभी हमने पहले बात की तीन महीने की तो अगर वो यूरोपियन था तो वो तीन महीने के एंड में जा सकता था लेकिन अगर वो अमेरिकन स्वाप्शन होगी तो तीन महीने के दरम्यान में किसी भी डेट में वो चाहें तो वो यानी मार्केट की फंक्शनिंग डेट में तो वो उस स्वेप्शन में एंटर हो सकते हैं तो इसमें फ्लैक्सीबिलिटी बहुत आ जाती है कि आप किसी भी ड्यूरिंग द टाइम आपकी फेवरेबल डे आया आपकी फेवरेबल प्राइसिंग आई तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं दे मे बी शॉर्ट लॉकआउट पीरियड्स आफ्टर रिजनेशन जैसे कुछ कंपनीज की कोई ईयर एंड है या कुछ और क्लोज पीरियड आ सकते हैं बट अदरवाइज नॉर्मल रूल इज के ओवर द टर्म किसी भी टाइम पे आप ये जा सकते हैं तो इट इज़ मच मोर फ्लैक्स ये हमने ऑप्शन में भी बात की हुई है अमेरिकन ऑप्शन की रिसोप्शन स्टाइल आर क्रूशियल इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मॉडल कि किस मेथड से किस मॉडल से वो होगी फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्वाइल ऑप्शन टिपिकली ये वैल्यूड यूजिंग ब्लैक शोल्स मॉडल तो ब्लैक वैल्यूएशन का जो ब्लैक शोल्स का मॉडल है ये उसके थ्रू वैल्यूएशन होती है क्योंकि इसके अपना एक डिफाइंड पार्ट है वेयर एज अमेरिकन और बरमूदन क्योंकि ये ज़्यादा फ्लैक्स हैं तो विच और ये लिटल थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी वैल्यूएशन आ जाती है सो दे आर यूज यूजिंग ब्लैक डर्मन टॉय और हल वाइड मॉडल्स आपको ये मॉडल्स ये हमारे सिर्फ एक नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा आ जाती है तो वी नीड अ लिटल मोर एडवांस मॉडल टू वैल्यूज दीज स्वाप तो हेयर आर द वेज इन विच दे आर बिकॉज इसमें फ्लैक्सीबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है चॉइस ज़्यादा है उसमें फैक्टर्स को ज़्यादा बिल्टिन किया जाता है तो ये एडवांस मॉडल से ये कैप्चर होती है कॉल स्वेप्शन कॉल स्वेप्शन और कॉल स्वैप ऑप्शन गिव्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इन टू स्वैप एज फ्लोटिंग रेट पेयर एंड फिक्स रेट रिसीवर ये अब आप कॉल की प्रोविजन में बात कर रहे हैं कि हमने बोला था कि कॉल ऑप्शन होती है एक पुट ऑप्शन होती है तो कॉल स्वेप्शन में आपके पास ये सिचुएशन है अ कॉल स्वेप्शन इज ऑल्सो नोन एज रिसीवर स्वेप्शन हमने स्वेप्शन में बात की थी एक पेयर एक रिसीवर तो यहाँ पे एक आप रिसीवर है क्योंकि आपको फिक्स्ड रेट मिल रहा है तो इसको हम अगर कॉल या पुट की टर्म में बात करें तो ये कॉल सिचुएशन में आप रिसीवर स्वैपशन होती है पुट स्वेप्शन पुट स्वेप्शन आर इनवर्स पोजिशन टू कॉल एंड आर कॉल्ड पेयर स्वैपशन द पुट स्वेप्शन पोजिशन बिलीव इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज इनका ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो वो ये इस सिचुएशन में अपने आप को लॉक करके अपने आप को

They are frequently used in hedging various macroeconomic risks such as interest rate risk. सबसे ज्यादा जो इसकी utilization है वो interest rate risk में की जाती है where you are betting on the movements expectation पे आप काम कर रहे होते हैं A company anticipating an interest rate increase may purchase a pair swap option. इंटरेस्ट रेट बढ़ना है तो आप पेयर स्वेप्शन ले लें To from rate risk. के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमें खतरा है तो हम पेयर फिक्स पेयर बन जाएं और ताकि बहुत जितना भी बढ़ जाए हम लोगों को उसका इम्पैक्ट ना हो तो ये अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एक मेजर टूल यूज होता है एडिशनली सो एप्शन में रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी बॉन्ड हमने एक मेगा लेवल पे जैसे बात की माइक्रो इकोनॉमिक इंटरस्ट रेट की बात भी कर सकते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए ये स्वेप्शन मोड में जा सकते हैं ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमनली इम्प्लॉय स्वेप्शन टू चेंज देयर पे ऑफ प्रोफाइल अपने इंटरेस्ट रेट जो रजीम है अपनी जो इनकम स्ट्रीम है उसको चेंज करने के लिए भी ये स्वेप्शन का मोड यूज करते हैं स्वेप्शन आर प्राइमरि इम्प्लॉयड बाई लार्ज कारपोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ये छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उसको राइटिंग में इस तरह इन्वॉल्व नहीं दे आर मेजर प्लेयर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसको कर रहे होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स बैंक कमर्शियल बैंक हेज फंड वगैरह जो हैं वो उस मैकेनिज्म इसमें ज्यादा एक्टिव प्लेयर होते हैं छोटे इन्वेस्टर कम हो सकते हैं बट मेनली दे आर डोमिनेटेड बाय दीज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स तो उससे फिर उनकी यूटिलाइजेशन का उसकी जो मार्केट स्ट्रेंथ है वो वहाँ से गेज हो रही होती इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रीक्वेंटली यूज टूल थैंक यू